Now, going further to understand something more, I am trying to relate with something that you already have studied, like capital budgeting or investment decision. उसमें कुछ हमारा ऐसा होता था कि हमको डिसीजन ये लेना है दैट से वेदर टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और नॉट, हमको डिसीजन ये लेना है दैट से वेदर वी शुड एक्सपेंड अवर बिजनेस और नॉट, हमको डिसीजन ये लेना है कि हमको एग्जिस्टिंग मशीनरी को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कि आपका कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा, आप कितने यूनिट्स बेच पाओगे, कौन सी प्राइस पे बेच पाओगे, आपका मटेरियल का खर्चा क्या होगा, आपका लेबर का खर्चा क्या होगा, आपके ओवरहेड का एक्सपेंसेस क्या होगा, इन सब के बारे में आपको बराबर से रिसर्च करना पड़ेगा, उन सब के बारे में आपको बराबर से छानबीन करना पड़ेगा और उसके बाद यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन टूडे, ऐसा हम लोग समझते हैं. ओके, नाउ फोरकास्टिंग इज वेरी नेसेसरी ऑलवेज फॉर एनी डिसीजन मेकिंग. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी हमको अल्टीमेटली डिसीजन तो लेना ही है क्या कि कौन कौन से सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है. सो वी आर रिक्वायर्ड टू डू दिस टाइम फोरकास्टिंग ऑफ द रिटर्न कि सिक्योरिटी कितना रिटर्न जनरेट करेगा, वो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा. वो फोरकास्ट करने के लिए से देर आर टू लाइक पॉपुलर मेथड्स दैट वी हैव. वन पॉपुलर मेथड दैट वी हैव इज दैट से यू टेक इन टू अकाउंट द पास्ट. Based on the past, you have the prediction of the future. Or otherwise, you have the expectation about the future performance. सबसे पहले मैं ये segment का discussion कर रहा हूँ. If at all I want to make the estimation that say, अगर मैं Infosys में आज investment करता हूँ तो मुझे Infosys में next year कितना return मिलेगा, तो उसके लिए मैं Infosys का पिछले 5 साल का या पिछले 10 साल का या पिछले 3 साल का कुछ नंबर ऑफ इयर्स का रिटर्न कितना है वो देखूंगा मैं. और मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली उसका एवरेज कर सकता हूँ. सो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस फ्यू इयर्स परफॉर्मेंस कैन बी टेकन एज अ बेस फॉर प्रेडिक्टिंग दैट से वो सिक्योरिटी हमको फ्यूचर में कितना रिटर्न देगा. इन्फोसिस वॉज फॉर्म इन द ईयर 1980. नाउ 1980 से लेके अब तक का सारा रिटर्न्स लेने का मतलब नहीं है. It amounts to foolishness. Why? Because the entire economy has changed. We understand that the entire scenario has changed all over the world. Then in that case, taking the performance since the inception of the company till date is of course not going to make a sense. हम लोग कुछ number of years को base ले सकते हैं कि जो हमको लग रहा है कि future को वो represent करेगा. That is what the first method by which you can have the prediction about the future performance of the security. या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं that say we can assign the different probabilities for the different outcomes. In a way that say the GDP का रेट क्या रहेगा और उसके बेसिस से आप ऐसा प्रिडिक्ट करो कि ये सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा. Let us say that say the GDP का रेट होगा 9% तो क्या, 6% तो क्या, एंड लेट अस से 2% तो क्या. इन तीनों सिक्योरिटी में ये सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस कैसा होगा से उसका आप एस्टिमेशन करो. और हर एक अलग अलग GDPs का जो आउटकम है से मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम, उसको आप प्रोबेबिलिटी असाइन करो. लेट अस से 0.3, 0.5 एंड 0.2, समथिंग लाइक दैट. दैट इज द वे यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द प्रेडिक्शन अबाउट ऑफ द फ्यूचर रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी. So doing a small example before we write a note for the point which I am discussing with you. Great player Cheteshwar Pujara has scored recently as under. Unke pichle 3 match ka performance de rakha hai. 100 run, 150 run, 110 run. Question mein ye pucha hai, what is the expected score from Cheteshwar Pujara in his next match. भी देखो अभी क्रिकेट इज अ गेम इन विच से यू कैन नॉट हैव लाइक सर्टेनिटी कि कोई प्लेयर कितना स्कोर करेगा, उसमें हमेशा अनसर्टन रहता है. बट स्टिल ओवर हियर वी कैन से दैट से इफ एट ऑल वी टेक द रीसेंट परफॉर्मेंसेज इन टू अकाउंट देन वी कैन कंप्यूट द एवरेज ऑफ द रीसेंट परफॉर्मेंस एंड वी कैन से दैट से उनका नेक्स्ट मैच पर यह परफॉर्मेंस रहेगा.
वी अंडरस्टैंड दैट अगर प्लेइंग कंडीशंस वी कैन से दैट से इफ़ एट ऑल दैट से जो टीम के सामने हम लोग खेलने वाले हैं, हमारा खुद का टीम, वो सब सरकमस्टेंसेस अगर ऑलमोस्ट सेम है, देन इन दैट केस द रीसेंट परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर कैन बी टेकन एज अ प्रडिक्शन टू परफॉर्म इन हिज नेक्स्ट मैच. चलो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ चेतेश्वर पुजारा इन हिज नेक्स्ट मैच. मैच रन पिछले 3 मैच का परफॉर्मेंस दिया है हमको, 100, 115 एंड 110. सो द टोटल इज 316 और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स लिख सकते हैं. एंड वी कैन कैलकुलेट द एक्स बार. एक्स बार कैन बी कैलकुलेटेड एज समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन. समेशन एक्स कितना है, 316 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 रन्स. दिस इज व्हाट्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ चेतेश्वर पुजारा इन हिज नेक्स्ट मैच. सो बेसिकली वी आर डूइंग दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि वॉट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्लेयर. सिमिलरली वी वॉन्ट टू मेक अ प्रॉपर प्रडिक्शन कि कोई भी सिक्योरिटी में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सिक्योरिटी में से हमको कितना रिटर्न मिलेगा. सो वो हम लोग लाइक कुछ ऐसे ही कैलकुलेट आगे करने वाले हैं.